सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सांसद पप्पू यादव ने भी विरोध कर दिया है और बयान दिया है क्रीमी लेयर को लेकर के। उन्होंने कहा है कि क्या मांझी जी के पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि कोटे के अंदर कोटे की जो बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है। अब इसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं तमाम नेताओं के। पप्पू यादव ने भी बयान दिया है क्रीमी लेयर को लेकर। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूछा है सवाल, क्या मांझी जी के पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा। सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है। केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग पप्पू यादव ने की है। ने आदेश दिया है एससी एसटी के अंदर सब कोटे और क्रीमी लेयर की। सरकार की सहयोगी पार्टी है एलजेपी रामविलास, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वो इस फैसले के पक्षधर नहीं है। एससी एसटी में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, तो कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्रीमी लेयर ओबीसी में है जी। मेरा मानना है कि तय कौन करेगा, आपने तो कह दिया कल के दिन इसका भी राजनीतिकरण हो जाए। क्रीमी लेयर की बात होगी तो जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन या जो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, क्या अब उसके बच्चे को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा? या जो पहले ही मंत्री संतरी जो भी चीज़ हो गए, चाहे वो मीरा कुमार जी का परिवार हो, चाहे मांझी जी का हो, रामविलास जी हो, तो क्या अब आने वाले समय में क्या मांझी जी के पोते को नहीं मिलेगा आरक्षण? तो यह एक सवाल है। ये हो सकता है कि हम खुद आरक्षण नहीं लें या आरक्षण की आवश्यकता हमको नहीं हो, लेकिन एसटी एससी में क्रीमी लेयर, मुझको लगता है कि इस पर सभी पार्टी के नेताओं को विचार करके ही कोई कदम उठाना चाहिए और जरूरत हो तो अध्यादेश भी लाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है और एक जज ने तो क्रीमी लेयर पहचानने की भी बात कह दी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल का पुराना फैसला जो है वो बदल दिया है। लेकिन इससे जेडीयू असहमत दिख रहा है और ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी का क्या मानना है, वो किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं, उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ दलित नेता अशोक चौधरी मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले को दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने फैसला पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से उस पर कमेंट करना और पूरी तरह से उस फैसले पर कुछ मतलब, लेकिन मेरा एक दो तीन उसमें सिर्फ एक ही नहीं है कि कोटा विद इन द कोटा नहीं है। वो तो मान लीजिए कि हमारे नेता ने 10 साल पहले दिया था, महादलित बना करके जो एक सेक्शन जो दलितों में जो पिछड़ा पड़ा हुआ था उसको कोटा के अंदर प्रमोट हम कैसे करें, राज्य सरकार की योजना का लाभ उनको पहले कैसे मिले, उसका उन्होंने प्रावधान किया था। तो वो तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में जो हमारा जात है, कास्ट है, उसको शेड्यूल में डाला गया है। तो बहुत से कास्ट किसी राज्य में अनटचेबल थे, छुआछूत में आते थे, मगर कहीं नहीं थे। तो जिस राज्य में थे उस राज्य में तो उनको मिला, मगर दूसरे राज्य में नहीं मिला। तो अगर आप रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट के कास्ट को देखिएगा तो डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें बाहर करने की जो बात कही है, तो इस पे आप लोगों की राय क्या है, ये जेडीयू की राय क्या हो सकती है, आपकी राय क्या हो सकती है? देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने पूरी तरह से जब तक कि फुल फ्लेजेड हम पूरी तरह से उस क्या कि वो काफी लंबा जजमेंट है, तो उस जजमेंट को हम पूरी तरह से देख नहीं ले, एनालाइज नहीं कर ले, तो मेरा इसमें या पार्टी की तरफ से मेरा कमेंट करना हमारा उचित नहीं होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक दलित होने के नाते मेरा जो समझ है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान, क्रीमी लेयर का बात ये संविधान के प्रावधानों में नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है, उस व्याख्या को क्या संविधान का जो मूल जो स्वरूप था उसके मुताबिक है नहीं है, ये सब बहुत बड़ा बहस का विषय है। आईएएस और आईपीएस का बच्चा या जो
बिजनेसमैन है, उसका बच्चा अगर वो है तो क्या वो उस कास्ट से निकल गया, क्या समाज एक्सेप्ट कर रहा है, वो ये सब डिबेटेबल इशू है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटे की मंजूरी दे दी है, क्रीमी लेयर की भी बात कर दी गई है, यानी कि क्रीमी लेयर पहचानने का हक होगा सरकार को, और ऐसे में अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, जज का तो ये भी कहना है कि जो ज्यादा पिछड़े लोग हैं, यानी कि जो ज्यादा जरूरतमंद है, उनको आरक्षण दिया जाएगा, और जो क्रीमी लेयर है, जिनको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। और ऐसे में जेडीयू तो असहमत है ही, साथ ही साथ आरजेडी भी असहमति जता रही है। क्या कुछ कहना है आरजेडी का, खुद सुनिए। जब तक जाति आधारित गणना की रपटे नहीं आ जाती, एक साइंटिफिक आंकड़े नहीं आ जाती, तो फिर मैं इसे संविधान सभा और पुनः पैक्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं देखता हूं। इसे राष्ट्रीय जनता दल का मत साफ है। और एक बड़ी खबर, देखिए राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर दिया है सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने पोस्ट किया है कि ईडी रेड की प्लानिंग उनके खिलाफ की जा रही है। ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर दिया है, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग की जा रही है, छापेमारी की योजना बनाई जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ, और ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में चक्रियों वाले भाषण के कारण ये तैयारी है, यानी कि ईडी जो है वो रेड की तैयारी कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर, देखिए उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अपेरेंटली 2-in-1 डिडंट लाइक माय चक्रव्यूह स्पीच, ईडी इनसाइडर्स टेल मी, यानी कि उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, और साथ ही उन्होंने कह दिया है कि ईडी का खुली बाहों से मैं इंतजार कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया है वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए, राहुल गांधी ने जैसे ही ट्वीट किया, इसके बाद सांसद पप्पू यादव ने भी उनका समर्थन कर दिया है। पप्पू यादव ने भी सहमति जताई और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो आशंका है वो बिल्कुल सही है, सरकार का रवैया सही नहीं है, पीएम की सोच संवैधानिक और लोकतांत्रिक नहीं है। पप्पू यादव ने भी राहुल गांधी के पोस्ट पर कहा है कि सरकार का रवैया संवैधानिक नहीं है। गांधी ने आशंका जाहिर की है कि उन्हें जो जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की तैयारी की जा रही है, और वो इसका स्वागत करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जो लगातार आप देख रहे हैं साजिश, लगातार व्यक्तिगत हमला, और अनुराग ठाकुर के ट्वीट को, बयान को ट्वीट करना, तो एक निजी हमला ही है ना। राजनीति में निजी हमले की कोई जगह नहीं है, चाहे कोई प्रधानमंत्री जी पर कोई निजी हमला करे वो भी जगह नहीं है, विपक्ष के नेता पर या किसी पर हमला करता वो भी जगह नहीं है। कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है। मरता क्या नहीं करता, तीन बार उनका एक ही लक्ष्य था कि हम तीन बार के प्रधानमंत्री की गिनती में, श्रृंखला में हम आ जाए। उसके बाद इनका बिल्कुल जो तरीके हैं, सोच हैं, वो बिल्कुल बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, तो डर और शंका सबको बनी रहेगी। और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं होंगे।